जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी परेशान हैं कि अमृत वेला के टाइम पर उठना बहुत मुश्किल है? तो चलिए आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप अमृत वेला नहीं कर पा रहे, उस टाइम पर नहीं उठ पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई है। कोई नेगेटिविटी अगर आती भी है तो उसे भी गुरु जी छोटे में कटवा देते हैं। दिवाली के आसपास मेरे अंकल जी के बीच में बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, हमारी लड़ाई बहुत होने लगी। गुरुजी ने कहा कि 90% कर्म वो कटवा देते हैं, 10% हमें काटने होते हैं, लेकिन हम इंसान उसे भी झेल नहीं पाते। और संगत जी, मुझसे भी ऐसे ही हुआ। मैं भी हिम्मत हार गई और अपने हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाना पड़ा। मीटिंग होने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की, आप मेरी जगह बात करना। और संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि उन्होंने मेरा घर टूटने से बचा लिया और सब बात सॉल्व हो गई। अब धीरे धीरे मेरे और अंकल जी के बीच सब सही हो रहा है। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू अमृत वेला करने को बोला, लेकिन मेरा बेबी छोटा है, इस वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि अमृत वेला नहीं हो पा रहा है तो संध्या वेला कर लो। तो मैं संध्या वेला में गुरुजी का ध्यान कर लेती हूँ, छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ। गुरुजी मुझे सत्संग में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। कभी गुरुजी फ्रेग्रेंस से ब्लेस करते हैं तो कभी ज्योत में दर्शन देते हैं। आज भी मुझे गुरुजी ने ज्योत में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। मेरे बेटे को भी उन्होंने ब्लेस किया है, 8 मंथ्स का बेबी है, लेकिन सत्संग में पूरे ध्यान से बैठता है, मंत्र जाप भी चुपचाप सुनता है। ऐसे ही हम सब पर गुरुजी कृपा बनाए रखना और सब संगत को ब्लेस करना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और गुरुजी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि वो अगर अमृत वेला नहीं कर पा रही थी तो गुरुजी ने उनके आगे मैसेज रिफ्लेक्ट किया कि अमृत वेला नहीं हो पा रहा है तो संध्या वेला कर लो। संगत जी, मेन पर्पस है हमारा गुरुजी को ध्यान करना, गुरुजी को याद करना, गुरुजी से बातें करना, गुरुजी का छोटा सा घर पर सत्संग करना या फिर गुरुजी का मंत्र जाप चलाए रखना। हमें बस गुरुजी से बातें करते रहना है, गुरुजी का ध्यान करना है, तभी तो गुरुजी से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए अगर आप भी अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं तो आप संध्या वेला कर सकते हैं। अगर आप संध्या वेला भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा दिन अपने घर पर मंत्र जाप चलाकर रख सकते हैं। गुरुजी का छोटा सा सत्संग अपने घर पर ही कर सकते हैं। गुरुजी की शब्द गुरबानी सुन सकते हैं, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुन सकते हैं, शिव पुराण सुन सकते हैं, गुरुजी के वचनों को याद कर सकते हैं। गुरुजी ने हमें इतना सब कुछ दिया है सुनने के लिए। अगर हम गुरुजी का सिमरन भी करते रहें, गुरुजी का शुक्राना करते रहें, गुरुजी को याद करते रहें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व होती जाएंगी। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे। आपको जब भी टाइम मिले गुरुजी को याद करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।